हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिंपल्स किचन। तो आज मैं आपके लिए कुकिंग की कोई रेसिपी नहीं लेके आई, बल्कि आज मैं लेके आई हूँ मॉकटेल्स घर पे कैसे बना सकते हैं, वो भी फ्रूट्स के साथ, जो कि हमारे घर पे हमेशा अवेलेबल होते हैं फ्रूट्स। तो उनके साथ हम कैसे बहुत ही हेल्दी, सूदिंग, बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स कैसे बना सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो बाहर से आते ही कुछ ना कुछ दिल करता है कि कुछ ठंडा सा हो, कुछ रिफ्रेशिंग सा हो। तो उसके लिए मैंने ये मॉकटेल्स बनाई है। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने लिया है ग्रीन एप्पल, पपीता, एक अमरूद, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो मैंने ये फ्रीजर में फ्रीज करके रखी हुई थी, पुदीने के पत्ते, काला नमक, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, चीनी, आइस, स्प्राइट एंड ये मैंने लिया है कैच का सोडा। तो देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। मिक्सी के जार में हम एप्पल डालेंगे, साथ में डालेंगे 5 से 6 पुदीना के पत्ते, अच्छे से। अगर ये इजीली बीट ना हो तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सोडा। एप्पल का पेस्ट बन गया अच्छे से। अब हम इसको छन्नी में डाल के छान लेंगे। ये देखिए इसका जूस निकल रहा है। गिलास में डालेंगे थोड़ी सी आइस, ये जूस जो हमने बनाया था इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, इसमें डालेंगे सोडा, 1/2 गिलास डालना है सोडा और बाकी डालना है हमने स्प्राइट, और इसके ऊपर हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, पुदीने की पत्ती और ये लेमन के टुकड़े जो हमने काट के रखे थे, ये देखिए। पहले मैंने लिया है पपीता 1 कटोरी, इसको हम मिक्सी में डाल के ब्लेंड करेंगे। इसमें डालेंगे 5 से 6 पुदीना के पत्ते, 1/2 चम्मच चीनी और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए पपीते का पेस्ट बन गया, इसको हम एक छन्नी में डाल के छान लेंगे। ये देखिए ये मैंने पल्प निकाल लिया है, इसका पपीते का पल्प निकाल लिया है। इसको हम डालेंगे गिलास में, पहले हम डालेंगे गिलास में आइस, इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच काला नमक और थोड़ी सी इसमें डालेंगे काली मिर्च, और जो हमने पल्प निकाला था वो हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने सोडा लिया है कैच का, 1/2 सोडा डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे स्प्राइट। इसके ऊपर डालेंगे पुदीना का पत्ता और इसमें डालेंगे लेमन। हमारी रिफ्रेशिंग सी पपीते की ड्रिंक रेडी हो गई है। ये है पपीता, ये हो गई एप्पल मॉकटेल। अब हम बनाएंगे अमरूद की। तो अमरूद को डालेंगे मिक्सी के जार में, इसमें डालेंगे 7 से 8 पुदीने के पत्ते, इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच चीनी,
और थोड़ा सा सोडा ताकि अच्छे से बीट हो जाए। हम एक छन्नी में इसको छान लेंगे ताकि इसके बीज निकल जाए। ये देखिए अमरूद का पल्प निकल के, अब हम इसको गिलास में डालेंगे। सेम पहले हम इसमें आइस डालेंगे, ये मैंने आइस क्रश करके ली थी। एक चम्मच अमरूद का रस, एक चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा सोडा, थोड़ी सी स्प्राइट और इसके ऊपर डालेंगे भुना हुआ जीरा, पुदीने की पत्ती, नींबू का कटा हुआ एक स्लाइस और ये हमारी अमरूद की मॉकटेल रेडी हो गई। अब हम स्ट्रॉबेरी की बनाएंगे मॉकटेल, तो इसको भी हम पहले मिक्सी में डालते हैं। इसमें डालेंगे आधा चम्मच चीनी, इसमें भी डालेंगे पुदीने की पत्ती और इसको एक बार बीट कर लेंगे। इसको भी छन्नी में छान लेंगे। गिलास में बर्फ डालेंगे और डालेंगे स्ट्रॉबेरी का जो हमने जूस निकाला है, इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा सोडा, और स्प्राइट, बस डालेंगे पुदीना की पत्ती और नींबू का एक स्लाइस। तो ये देखिए स्ट्रॉबेरी का मॉकटेल बन गया, फ्रेश फ्रूट से बने हुए मॉकटेल तैयार हो गए हैं। तो मैंने ये बना ली है अपनी मॉकटेल्स, चार तरह की मॉकटेल्स। अब ये निश्चय बताएगा, ट्रिगु बताएगा टेस्ट करके कि इसको कैसी लगी। ये बताएगा कि ये कौन सी थी, कौन सी थी, मतलब चार तरह की है मॉकटेल, तो ये भी बताना पड़ेगा ना कि कौन सी है, ये कौन से फ्रूट से बनी थी। अच्छा सोचना, ये दोबारा पी के देखे। ये लग रहा है पता, ये इसका फेवरेट फ्रूट है, लेकिन अभी इसको पता नहीं चल रहा कि पाइनएप्पल किसकी है। मेरा फेवरेट फ्रूट तो पाइनएप्पल ही था। पपीता, ओह हाँ वो भी है। ये भी समझ नहीं आया होगा इसको। अरे सारी अलग अलग सी हैं। तो सारे अलग अलग फ्रूट्स हैं ना। ये स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी है, यस, क्योंकि वो रेड है ना। ये तो अमरूद, यस, दो बता दी इसने। ये बता ही नहीं पाएगा क्यों, कौन सा, अच्छा फ्रूट का कलर बता दो। ये है ग्रीन एप्पल भाई। ये कौन बता सकता है, सारी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉबेरी वाली बेस्ट है और पपीता इसका फेवरेट है, लेकिन स्ट्रॉबेरी, लेकिन इसको पता ही नहीं चला कि ये पपीते की मॉकटेल बनी हुई है। स्ट्रॉबेरी बहुत रिफ्रेशिंग है एक्चुअली, इसमें जो फ्लेवर्स है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं आता इतना, बहुत अच्छी है सारी ड्रिंक, बहुत अच्छी है ये पास। अरे हाँ, और आपने ट्राई की थी? नहीं। तो खुद तो करो, अभी कैसी लगी? बहुत बढ़िया, इसने मुझे अपने हाथ से पिलाई, क्योंकि ये कोई भी कुछ भी खाए कुछ भी पिए तो मुझे जरूर खिलाता है, तो वो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी हो गई ना। ओह, एक काम करो, बाकी पड़ी हुई भी ट्राई करो, मैं जाता हूँ, बाय बाय। आप भी घर पे ट्राई कीजिए, खुद भी पीजिए, बच्चों को भी पिलाइए और ईट हेल्दी, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी।
और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।